नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित थाना मलपरा क्षेत्र के गांव जारुआ कटरा में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया है। पीड़ित अनिल कुमार दुबे ने बताया है कि उनकी बेटी की शादी थी, भतीजी की शादी वो अपनी बेटी की तरह कर रहे थे, इसी बीच बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर मकान के अंदर रखे 4 लाख रुपए की नकदी के साथ साथ सोने चांदी के आभूषणों को ले जाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति पर उनको शक है, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी है, क्योंकि बैंक से वही लड़का नौकरी का झांसा देकर रुपए निकलवा के लाया था और उसने बेटे के साथ दोस्ती बनाई और दोस्ती के साथ साथ नौकरी का झांसा देकर बैंक से 4 लाख रुपए निकलवाए, जिस पर उन्हें शक है, उसकी पुलिस को जानकारी दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस इस चोरी की घटना का खुलासा कितने देर में कर पाती है, क्योंकि बंद मकान में रखे 4 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है और लगातार थाना मलपरा क्षेत्र में 2 गांव में मकानों में अलग अलग लाखों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं नए थाना प्रभारी के लिए चोरों की यह खुली चुनौती है। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मैं आपको, मेरा नाम अनिल कुमार दुबे। दुबे जी, क्या मामला है? मामला ये है जी कि मेरे यहाँ पे शादी थी 22 तारीख की और 22 तारीख को ही मेरे लड़के का दिल्ली पुलिस का पेपर था। इसको इसी का मिलने वाला लड़के का मिलने वाला साथी वो बोला कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, झांसा दिया लड़के को कि 4 लाख रुपए अगर हो तो तुम्हारी नौकरी मैं लगवा दूंगा। लड़का उसकी बातों में आके खुद साथ बैंक में जाके खुद ही जाके पैसे निकलवा के लेके आया और उसी के साथ घर में यहीं सोया रात को भी और पूरे दिन भी साथ रहा। जब रात को 1 बजे हम लोग अपने घर पे आए तो हमने देखा कि हमारा ताला टूटा हुआ है, अलमारी पूरा खुला हुआ है, पैसे गायब थे, जो भी चीज बती थी सोने गहने की वो गायब थी। क्या क्या सामान चला गया? क्या 2 अंगूठी थी, 1 जोड़ी चांदी की पायल थी, कैश 4 लाख रुपए था। शिकायत दर्ज की आपने? हाँ जी, हमने शिकायत किया है, 112 नंबर पर कॉल किया, रात में पुलिस आई, जिस लड़के पे हमारी को शक था हमने उसी को बताया। अब पुलिस क्या करती है, छानबीन कर रही है, देखो क्या होता है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज।